हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 स्विच वाले बोर्ड किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बोर्ड के सारे बटन सारे नट को अच्छी तरीके से खोल देने हैं। खोलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के वायर, जो मैंने एंकर का ही यूज किया है और यहाँ पे स्विच भी एंकर का है, तो आपको करना क्या है, इस एंकर के वायर के वो वायर के कवर को हटा के इस कॉपर वायर को निकाल लेना है और इसे इस तीनों स्विच में पूरी अच्छी तरीके से फिट कर दे, तो जो आगे जाके ये प्लस वायर का कार्य करेगी। आप इसमें अब ये प्लस वायर प्लस लाइन के लिए, मतलब प्लस मेन लाइन से प्लस लाइन को लाने के लिए एक वायर ले, जो लास्ट स्विच में के जिस तार को घुसा है जिस बिल में, उस छिद्र से लेके आपको फ्यूज में, फ्यूज के नीचे वाले छिद्र में डाले। उसके बाद आप इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से डालें। देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है और देख लीजिए तार बाहर निकलाना हो, सारे अच्छे तरह तरीके से तार को अंदर डालें ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो आपस में सट के प्लस माइनस। अब आप एक इस तरह का छोटा वायर काटें जो इस स्विच से लेके और इस चार्जर पिन तक जाए, तो इस वायर को थोड़े अच्छे तरीके से छिद्र में डालें दोनों के, ताकि आसानी से चला जाए और वायर बाहर ना निकला हो। देख सकते हैं इसमें से करंट इसमें जाएगा तो स्विच कार्य करने लगेगी। तो मैंने इसे डाल दिया और यहाँ से प्लस लाइन जाएगी पूरे बोर्ड में, मतलब प्लग से लेके स्विच आर सब में, स्विच सभी स्विच में प्लस लाइन जाएगी। तो अब इस सरे को कस देते हैं, सभी वायर के वायर जिस पिन में डाले हैं छिद्र में, सारे को अच्छी तरीके से कस देना है ताकि तार हिले ना। हिलने से होगा क्या कि बोर्ड में लाइन जाना बंद हो जाएगा या कभी कभी स्पार्क भी मार सकता है। जब दो तार सटेंगे तो बोर्ड में अर्थिंग आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रहे। तो अच्छी तरीके से इसे कसना है। मैंने सारे नट को कस रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है। और ये आप माइनस वाले तार को जो मेन लाइन से आएगी उसे कनेक्ट कर रहा हूँ चार्जर पिन से। इस चार्जर पिन में कनेक्ट करने के बाद ये बोर्ड तैयार हो जाती है। तो आप इसमें डालें और उसके बाद रुकिएगा, अभी जाइएगा कहीं मत, थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है मेन चीज़। तो आपको इसमें ये तार को डाल दें, ये अच्छी तरीके से डालें ताकि करंट बाहर ना आवे। तो इसे टाइट कर दीजिए अच्छी तरीके से और यहाँ पे भी टाइट करना है, तो यहाँ पे टाइट कर देते हैं, नीचे से ले लेते हैं ताकि अच्छे रहेंगे सर्किट, जगह बचेगा क्योंकि और भी तार जोड़ना है तो उसमें जगह घट सकता है। इसे इस छिद्र में अच्छी तरीके से डाल दें और उसके बाद इसे कस देते हैं। ये कसा गए हैं पूरी अच्छी तरीके से। अब एक और वायर देख सकते हैं कि ये पूरी अच्छी तरीके से सबको नीचे वाले वायर से कॉपर वायर को दिए हैं। स्विच अब काम कर सकता है यदि मेन लाइन से करंट दे, लेकिन एक और इसमें काम करना बाकी है, नहीं तो इंडिकेटर में बल्ब नहीं बढ़ेगा। तो इसे या तो इस गर्म वाले वायर से कनेक्ट डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो इसे ये डायरेक्ट फ्यूज से कनेक्ट कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, इसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे क्योंकि इंडिकेटर के इस वायर में माइनस वायर देंगे और फ्यूज से प्लस वायर जाएगा। तो इसे कनेक्ट करने के लिए एक वायर ले लेते हैं, इसे फ्यूज और इंडिकेटर में आपस में कनेक्ट करने से प्लस माइनस आने से इंडिकेटर में लाइट बढ़ने लगे, जिससे पता चला कि बोर्ड में लाइन आ रही है। तो अब मैं इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ इसके और इससे। तो इसका नट खोल दे हैं।
देख सकते हैं नट खुलने वाला है, और इसे अब इसमें अच्छी तरीके से डाल देंगे ताकि करंट बाहर ना, तार बाहर निकलने से करंट का झटका लग सकता है। उसे बचने के लिए अच्छी तरीके से इस बील में डालें और इसे आप अच्छी तरीके से कस दें। देख सकते हैं इसमें प्लस और माइनस आ गया है इंडिकेटर में। माइनस ऊपर से जब लाइन में, ऊपर वाले पोल में, जब इंडिकेटर के ऊपर वाले पोल में जब निगेटिव वायर जोड़ेंगे तो नीचे से पॉजिटिव वायर, तो पोल बढ़ने लगेगा इंडिकेटर का। इस वजह से ये वायर देना जरूर जरूर दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि इंडिकेटर से कि लाइन आ रहा है बोर्ड में। अब चलिए फ्यूज़ तैयार करते हैं। फ्यूज़ तैयार करने के लिए आपको कुछ नॉर्मल वायर लेना है जो 5 रुपये मीटर पड़े, कमज़ोर वायर ताकि ज़्यादा वोल्टेज पे पिघल जाए। और उसके बाद इस वायर का ऊपर का कवर हटा देना है और ये कुछ इस तरीके से वायर निकलेंगे पतले पतले। सारे को अच्छे तरीके से अमेट दे ताकि कोई वायर बाहर ना निकले। निकलने से हो सकता है ये कुछ बाहर निकल गए तो हाथ में झटके मार सकते हैं फ्यूज को छूने वक्त या बोर्ड को छूने वक्त। तरीके से अमेट दे और उसे इस फ्यूज के नट में अच्छे तरीके से लिपट लपेट दे और लपेट दे और एक पोल से दूसरे पोल तक इसे कनेक्ट कर दे। कनेक्ट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से इसके नट को कसना है। तो ये मैंने इसमें तार लपेट दिया है, देखिएगा कि तार कटे ना। तार कटेंगे तो करंट जाना बंद हो जाएगी और ये बचे हुए एक्स्ट्रे वायर को भी काट के हटा देंगे। तो इसे पहले कस लेता हूँ, तो ये कस रहे हैं। ये कस आ गए हैं, लग रहे हैं। हाँ, ये अच्छी तरीके से कस दीजिए ताकि करंट इसमें से तार ना टूटे, इसका ख्याल रखें। नहीं तो फिर से एक नया वायर लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तार बहुत ही ज़्यादा नरम है, ज़्यादा लोड पे ये तार पिघल सकते हैं। तो ये बचे हुए तार को अब इसे काट के हटा देना है। इसके लिए ब्लेड का उपयोग करें या आपके पास और कुछ भी है धारदार तो उससे भी इसे काट सकते हैं। तो मैंने ब्लेड का ही यूज किया है और ये बड़े तार को, एक्स्ट्रा तार को हटा देते हैं। सावधानी से करें ताकि हाथ तार ना कटे। ध्यान रहे ये दोनों नट के बीच के तार ना कटे। ये एक्स्ट्रा तार को काट के हटा देना है। ये तार कट गए हैं, देख सकते हैं हमारा फ्यूज तैयार हो गया है। अब इसे बोर्ड में कनेक्ट करेंगे तो हमारे बोर्ड में आ जाएंगे। चलिए बोर्ड में आप बल्ब और फैन का लाइन कनेक्ट करते हैं ताकि दोनों स्विच भी काम करने लगे। तो ये मैंने बोर्ड ले आया है मेन लाइन के पास और इसका मेन लाइन ये देख सकते हैं, दो तार है, एक माइनस और एक प्लस। तो माइनस वाले को इंडिकेटर में कनेक्ट कर रहा हूँ जो जाके चार्जिंग पिन से कनेक्ट है वे वाले वायर के साथ, ताकि पूरे बोर्ड में माइनस का लाइन प्रवाह हो जाए। तो अब इसमें इसे कस देते हैं, इसे अच्छी तरीके से कसिए क्योंकि ये यदि मिस हुआ तो करंट लग सकते हैं अच्छे खासे। अब आपको कुछ कुछ अच्छी तरीके से समझ आने लगे होंगे। अब यहाँ पे प्लस वाले वायर को भी फ्यूज से कनेक्ट कर दिया हूँ। देख सकते हैं प्लस वाले को भी अच्छी तरीके से और माइनस वाले को भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक करना ना भूले। अब मैं यहाँ पे बॉल वाले वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ, प्लस वाले वायर को यानी नीले वाले वायर को, बॉल का नीले वाले वायर को स्विच से कनेक्ट करना है जो पिन खाली था। ये नहीं कि नीचे से जो छिले हुए वायर थे उसमें डालना है, नहीं, खाली वाले में सिर्फ डालिएगा, नहीं तो स्विच काम नहीं करेगा। तो
आपको खाली वाले पिन में डाल दें और इसके वाइट वाले वायर यानी निगेटिव वाले वायर को चार्जिंग पिन के इंडिकेटर वाले वायर से कनेक्ट कर दें। तो ये मैंने इस वायर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो क्यों ना इसके साथ पंखे वाले भी निगेटिव वायर को यहीं कनेक्ट कर दूँ। दोनों तार को एक साथ कनेक्ट करने में ही अच्छे रहेंगे। पहले तार नट खोल देता हूँ ताकि निगेटिव वाले वायर दोनों निगेटिव वाले वायर को एक साथ कनेक्ट कर सके। इस वजह से तो यहाँ पे ये पंखे का भी निगेटिव वायर यानी वाइट वाले वायर दोनों को एक साथ अमेट के इसमें छिद्र में डाल देंगे और इसे भी कस देंगे अच्छी तरीके से। छिद्र में डाल देना है निगेटिव वाले यानी जो इंडिकेटर से वायर आ रहे हैं, और ये मैंने इसे भी अच्छी तरीके से कस दिया है। अब पंखे के प्लस वाले वायर को भी बीच वाले स्विच बचे हुए बीच वाले स्विच के खाली पिन में डाल देना है। देख सकते हैं खाली पिन ये ऊपर वाले पिन में डाल रहे हैं स्विच के, ताकि स्विच अच्छी तरीके से काम करे। इसका नट को अच्छी तरीके से कस देना है, देख लेना है सारे स्विच काम कर रहे हैं या नहीं। सारे स्विच के नट को अच्छी तरीके से कस दे ताकि करंट का झटका बाद में ना लगे। ये मैंने खींच के तार को देख लिया कि तार अच्छी तरीके से छिद्र में टाइट है या नहीं, ताकि तार हिलेंगे तो बाद में बोर्ड हमें खोल के फिर से टाइट करना पड़े, क्यों ना अभी अच्छी तरीके से टाइट कर लिया जाए। चलिए अब बोर्ड को लगा देते हैं, बोर्ड में नट लगा देते, देख लेते हैं कि सारे तार अच्छी तरीके से लगे हुए हैं क्या नहीं। तो हमारे तार सही हैं, चलिए बोर्ड को फिट करते हैं। अब सारे में स्क्रू लगाना स्टार्ट करते हैं। स्क्रू लगाने के बाद हमारे बोर्ड में देख सकते हैं स्क्रू लग रहे हैं। इस तरीके से आप भी स्क्रू लगा सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन की ज़रूरत भी नहीं। आप पिक्चर्स की मदद से दम लगा के थोड़ा सा कस सकते हैं। ये सारे नट लग गए हैं, देख सकते हैं लाइन भी आ गया है बोर्ड में, और ये जिस तरीका से प्लग खींचेंगे तो लाइन यहाँ पे बोर्ड का कट गया है। ये प्लस वाला वायर इसमें कनेक्ट था, फिर से लगा दिए तो लाइन आ गया। चलिए बॉल टेस्ट भी कर ले, देख सकते हैं ये चार्जर का स्विच है और ये बल्ब का, बॉल में लाइन आता है देख सकते हैं स्विच डालने पर। अब चार्जर का भी जांच कर लेते हैं, चार्जर में लाइन आती है या नहीं। चार्जर में लाइन देने के बाद आप देख सकते हैं लाइन आता है। देखिए स्विच टिपने पर किस प्रकार मोबाइल में लाइट बढ़ जाते हैं, तो देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू।